रसूखदारों की मनमानी और प्रशासन की सांठगांठ की मार झेल रहे रहवासी अब सड़क पर उतरने को भी तैयार हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर के लसूड़िया क्षेत्र में बसी कई कॉलोनियों के उन रहवासियों की, जो रेलवे की उदासीनता के कारण कई सालों से परेशान हैं। क्या है परेशानी और क्यों रसूखदारों की बदौलत यहाँ के रहवासी परेशान हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल के इंदौर स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बना है यह अंडरपास, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहां की बांधगी आपको अधिकारियों की लापरवाही का एक नमूना हम आपको दिखाना जा रहे हैं। जिस तरह से यहां पर अंडरपास बना हुआ है उसमें कई खामियां हैं, जिसके कारण यहां के रहवासियों को काफ़ी परेशानी और मशक्क़त करना पड़ती है, खासकर बारिश के दिनों में। किस तरह की परेशानियाँ हैं, क्या कुछ समस्याएँ, आइए जानते हैं यहाँ के रहवासियों से। जी हाँ, सिंगापुर टाउनशिप सहित दर्जन भर कॉलोनियों को जोड़ने वाले रेलवे अंडरपास में दो महीने से पानी भरा था। जब पानी निकाला तो हजारों रहवासियों की राह आसान हुई, लेकिन बारिश और पानी जमा रहने से यहाँ सड़क का ड्रामा निकल चुका है। गंदगी और पत्थर बीच में जमा हो गए हैं, जिससे हर दिन दर्जनों रहवासी अपने वाहनों से गिर रहे हैं। इस संबंध में रहवासियों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन न ही रेलवे के अफसर सुनने को तैयार है, न ही निगम और प्रशासन के। बताया जाता है कि सिंगापुर टाउनशिप दर्जन भर कॉलोनियों को एबी रोड से जोड़ने के लिए रेलवे ने कुछ वर्ष पहले यहां बने रेलवे फाटक को बंद कर अंडरपास बनाया था, लेकिन इस अंडरपास में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बारिश में 10 फीट से अधिक पानी भर जाता है, जिससे सभी कॉलोनियों के रहवासियों को घूम कर लसूड़िया तक आना पड़ता है। अगस्त माह में भी यहां पानी भर गया था, जिसके बाद रहवासियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान रेलवे के अफसर भी मौके पर थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिंगापुर सिटी और बाकी की कॉलोनियों के रहवासियों का यह हाल आज से नहीं है। यह रहवासी कई सालों से इसी परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन आज भी प्रदेश सरकार विकसित होते इंदौर शहर को देख इतरा रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी का यह हाल देखकर घबराहट होती है, क्योंकि रेलवे के अफसरों और बिल्डर्स की गलती की सजा यहां के रहवासियों को दी जा रही है। दरअसल इस कॉलोनी में कई बड़े रसूखदार बिल्डर हैं, और शायद उन्हीं बिल्डर्स की बदौलत, या यूं कहें कि बिल्डर्स की रसूख के कारण क्रॉसिंग बंद करने के बाद अंडरपास ब्रिज बना दिया गया। इस अंडरपास ब्रिज में पानी निकासी के लिए भी जगह तक नहीं छोड़ी गई, जबकि आसपास के सभी कॉलोनियों का पानी एक ही रुख करता है। हालांकि सवाल तो यह भी उठता है कि अंडरपास की बजाय ओवरब्रिज क्यों नहीं बनाया गया था। वहीं अब यह अंडरपास भी जर्जर हो चुका है। इसकी स्थिति देखकर लगता है कि यह कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। हालांकि अभी रेलवे द्वारा पूरी तरह से ट्रेन संचालित नहीं की जा रही, लेकिन जब भी यहां से ट्रेन संचालित होना शुरू होगी तब यहां दुर्घटना होने की आशंका है। आए दिन दुर्घटना हो रही है, लोग फिसल रहे हैं, गाड़ियां स्लिप हो रही है, किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अंडरपास का जो ब्रिज है वो भी जर्जर हो रहा है, ऐसा ना हो कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। ट्रेन निकलती है, रोज की बड़ी लाइन है, रोज की कम से कम 8-10 ट्रेनें निकलती है, और ज़्यादा ट्रेनें निकलती है, हर 10 मिनट में एक ट्रेन निकलती है। कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा। इधर रहवासियों का मानना है कि रेलवे की ही यह सब कारस्तानी है, जिसकी बदौलत यहां के रहवासी परेशान हो रहे हैं, लेकिन बात की जाए अन्य सरकारी विभागों की तो वह भी कुछ कम नहीं है। इधर रेलवे समस्या से अनजान बैठा है। अफसर कह रहे हैं उन्हें तो अब तक समस्या की ही जानकारी नहीं, जबकि रेलवे अफसर यहां कई बार आकर मौका मुआयना कर चुके हैं। हालांकि कुछ दिन पहले पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल के DRM के नाम यहां के रहवासी ज्ञापन देने जरूर पहुंचे थे, जिसका हल अभी तक नहीं हो पाया है। देखिएगा, जो कल यहाँ पे सिंगापुर टाउन के कुछ लोग एक मेमोरेंडम लेके आए थे DRM के नाम से, तो उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है, और उसको आगे के कार्रवाई के लिए हम DRM को रतलाम भेजेंगे, और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई हो सकती है, जो वाजिब जो भी कार्य होगा वो डेफिनेट होगा, तो इसके लिए हम लोगों ने आगे प्रोसेस कर दिया है उसको। देखिए, आज तक इस टाइप का कोई भी इन्फॉर्मेशन रेलवे के पास नहीं आया था। कल वो लोग आए थे, तो अब उसको पहले देखा जाएगा कि वो जो क्षेत्र है वो किसके अंडर में है। अगर रेलवे के अंडर में है तो रेलवे अपना काम करेगा उसमें। चलिए अब आपको दिखाते हैं जिस कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं, उस कॉलोनी के रहवासियों की कहानी उन्हीं के जुबानी, क्योंकि यहाँ के रहवासी मंत्री से लेकर अधिकारी और प्रशासन के काफी चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं लगा।
दरअसल इस अंडरपास की सड़क पूरी तरह उखड़ गई है और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। उखड़ी सड़क की गिट्टी पत्थर अंडरपास के नीचे जमा हो गई है। वहीं अंडरपास की दीवारें भी अब फटने लगी हैं और हो सकता है किसी भी दिन यहां बड़ी दुर्घटना हो जाए। यहां से रोजाना सिंगापुर टाउनशिप, श्रीनाथ सिटी, सुपर सिटी, ज्ञानशिला, ब्रिटिश पार्क कॉलोनी, श्रीनाथ गोल्ड आदि के हजारों रहवासी निकलते हैं। रहवासियों का कहना है कि रात को यहां रोशनी भी नहीं रहती, जिसके चलते लूटपाट की आशंका बनी रहती है। कई बार अंडरपास के नीचे लोग फंस चुके हैं। कई बार शिकायत करने पर भी रेलवे द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और हर साल बरसात के बाद घटिया निर्माण की सड़क बनाकर छोड़ दी जाती है, जो दो महीने में फिर पुरानी स्थिति में पहुंच जाती है। हम पहुंचे हैं अंडरपास रेलवे की, जो सिंगापुर टाउनशिप जैसी बड़ी बड़ी कई कॉलोनियां हैं जिनको जोड़ता है। अंडरपास को आपने देखा किस तरह से तिराड़ पड़ चुकी है, जर्जर हो चुका है अंडरपास। बात करें तो यहाँ पर बारिश के दिनों में भी कई समस्याएं आती हैं, जिसको लेकर रहवासी काफ़ी परेशान हैं, चिंतित है। इसके लिए रहवासियों ने यहाँ तक कि DRM तक को ज्ञापन दे चुके हैं, सांसद तक शिकायत गुहार लगा चुके हैं, मंत्रियों तक बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बात करें तो रहवासियों से कुछ इस मुद्दों पर, तो जानते हैं किस तरह से क्या परेशानी है, कितने समय से परेशानी है। सर, मैं करीबन सिंगापुर टाउनशिप में 4 साल से निवास कर रहा हूँ। हर साल यहाँ की कंडीशन ये हो रही है कि हर साल बारिश में करीबन 4 बार तो अंडरपास बंद हो जाता है, पानी भर जाता है, यहाँ आवाजाही की दिक्कत आती है, लोग परेशान हो रहे हैं। और अगर रेलवे काम भी कराता है तो डामरीकरण करा देता है, वो हर बारिश में खोद देता है। अभी भी आपने देखा यहाँ तक कि अंडरपास का जो ब्रिज है वो भी जर्जर हो रहा है। ऐसा ना हो कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, ट्रेन निकलती है, रोज़ की बड़ी लाइन है, रोज़ की कम से कम 8-10 ट्रेनें निकलती है, और ज़्यादा ट्रेनें निकलती है, हर 10 मिनट में एक ट्रेन निकलती है। कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? 50 ट्रेन से कम बात करें तो लंबा, हालांकि जो अंडरपास है रेलवे द्वारा बनाया गया है, लेकिन बाकी जो टाउनशिप्स हैं उनका पानी और निकासी भी यहीं से है, जिसके कारण यहां पर एक पानी जल जमाव की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण भी काफ़ी परेशानी होती है। कुछ और लोग हैं, रहवासी हैं यहां पर। सर, बताया जाता है कि कारें डूब जाती हैं अंडरपास में, जो है निकलने के लिए रास्ता बंद हो जाता है, कैसे आवाजावन करते हैं? जी, हर बारिश में यहाँ पर कम से कम सर से ऊपर पानी बहता है, और कभी कोई व्यक्ति कोशिश करता भी है कि गाड़ी थोड़ी सी आगे ले जाए तो वो बिल्कुल बंद हो जाती है। लास्ट टाइम भी ये हुआ था, एक फैमिली और अपने परिवार सहित कार के अंदर बीच में जाके कार रुक गई थी, और गेट ऑटोमेटिक निकलने के लिए उन्होंने प्रयास किया था, और लेडीज़ डूबते डूबते बची थी उस समय भी। और हर साल यही कंडीशन होती है कि गाड़ी तो निकालना दूर हो जाता है, हम लोग घरों में कैद हो जाते हैं। आवाजावन का रास्ता एक ही है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी 15 कॉलोनियाँ जुड़ी हुई है, और कम से कम 3,000 से 3,500 परिवार इसमें निवास करते हैं, और हर साल ये समस्या आती है। लोगों को अपने घरों में कैद होना पड़ता है, बारिश में कम से कम 4-4 बार ऐसा होता है। 2 दिन तक लोग ऑफिस नहीं जा सकते, लोगों का काम धंधा चौपट हो जाता है, अपने घरों में पड़े रहते हैं। और उसके बाद में बारिश रुकने के बाद भी आज 20 दिन होगा बारिश रुके हुए, रोड की हालत ऐसी है, गड्ढे बड़े बड़े हो रहे हैं, गिट्टियों का ढेर लगा हुआ है, ना झाड़ू लग रही है, ना सफाई हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पे। आए दिन दुर्घटना हो रही है, लोग फिसल रहे हैं, गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। पब्लिक परेशान हो रही है, सब अपने अपने घरों से अपने अपने काम के लिए निकलते हैं, लेकिन यहाँ निकलने के बाद लोगों का पूरा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि इतनी गंदी सड़क हो रही है, रेलवे बिल्कुल ध्यान दे नहीं रहा है, प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है इस तरफ। नगर निगम से शिकायत की, क्योंकि गंदगी, जो जल जमाव की स्थिति है वहाँ पे भी गंदगी पड़ी हुई थी, जल जमाव की। जी, नगर निगम वाले लोग आए थे, उन्होंने जब पानी भरा हुआ था जब भी उन्होंने मुआयना करा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं, समस्या नहीं की। उन्होंने ये बोल दिया कि रेलवे के अंडर आता है ये सारा काम, रेलवे इसको करेंगे, हम लोग इसको नहीं कर सकते। उन्होंने हमको कई बार कोशिश करी, लेकिन बुला बुला के हम लोगों ने उनको दिखाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ पानी लगाने के लिए मोटर का पंप दे दिया, पानी निकालने के लिए बाहर करते, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता, लेकिन फिर भी 2-2 फीट 3-3 फीट का पानी उसमें हमेशा जमा ही रहता है। पानी निकालने के लिए निगम ने थोड़ी हमारी मदद करी थी कि सर से ऊपर जो पानी बहरा उसमें थोड़ा पानी निकल जाए, लेकिन उसके बाद भी जब पानी निकलता है तो 3-3 फीट पानी रहता ही है। बाकी जो है टाउनशिप में जुड़ी हुई है, बाहर की जो है तलावली चांदा और बाकी सब एरिया का ढलान है, तो जिस कारण भी क्या कहीं आसपास के क्षेत्र का पानी भी यहाँ से गुजरता है? बिल्कुल, जो आसपास की कॉलोनियों का पानी आप देख रहे हैं कि यहाँ से पानी पूरा स्लोप होने की वजह से, ज़्यादा स्लोप होने के पानी एकत्रित हो जाता है, जो कि पानी ना निकलने की वजह से सारे रहवासी परेशान होते हैं। हम लोगों ने कई जगह पर गुहार लगाई हुई है, DRM, रेलवे, मंत्रीगण, सभी से बात की हुई है कि इस समस्या का परमानेंट सुझाव किया जाए। कैसे होगा, क्योंकि टाउनशिप है, डेवलप हो चुकी है, क्या कहीं ना कहीं जो नक्शों में हेर फेर करके या सड़क की योजना जो बनी हुई है उसके कारण जो पूरी ढलान इस जगह पर उतार दी गई है, क्योंकि आसपास से जो पानी आ रहा है वो भी यहीं उतर रहा है, तो क्या शिकायत करी आपने किसी तरह की नक्शा विभाग? बिल्कुल, जो अभी ये रोड बनती है, डामरीकरण बनती है, हमारा सबसे पहला इसमें मांग ये है कि इस रोड को पूरी तरह सीमेंटेड किया जाए, जिससे रोड हमेशा लंबे समय तक चले, जिससे पानी और जो पानी की निकासी है उसमें
पाइप्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, पानी आसानी से निकल सके। आपने अंडर ब्रिज देखे होंगे, कई अंडर ब्रिज बने होते हैं जिसमें कम से कम 10 से 12 जगह पानी निकासी की व्यवस्था बनी होती है, पर यहाँ की व्यवस्था केवल एक जगह व्यवस्था बनी हुई, इसलिए पानी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाता। अगर 10 से 12 जगह पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी और सीमेंटेड रोड प्रॉपर बनाई जाएगी तो कोई समस्या नहीं आएगी। दुर्घटनाएं भी होती हैं यहाँ पर, कुछ बात करेंगे एक्सीडेंट हुए कभी? अभी हमारी गाड़ी, मेरी गाड़ी कुछ टूट गई थी। बहुत सी ऐसे औरतें हैं जो बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने की कोशिश करती हैं और इसमें इतना रोड कंजेस्टेड है कि पूरा गिर जाती है, फिर भाग के लोग उठाते हैं रहवासी इधर के जो लोग सामने, और हम लोग पूरे लोग इकट्ठा होकर, आज 50 कॉलोनी है इधर, जैसे साइंस सिटी है, ब्रिटिश पार्क है, ग्रीन व्यू प्रीमियम है, ऐसे 50 कॉलोनियाँ हैं, लाखों पब्लिक इधर निवास करती है लेकिन महीने महीने भर इधर पैक रहती है, ना तो नौकरी करने जा पा रहा है, ना कोई बिजनेस में जा पा रहे हैं। हम लोग सब रहवासी संघ पूरा डिमांड करते हैं पीयूष गोयल जी से, माननीय रेल मंत्री जी से, कि ओवर ब्रिज की हमको परमानेंट व्यवस्था दें। यानी बात करें तो टेम्प्रेरी कनेक्शन कर करके ओवर ब्रिज बना दिया गया, अंडर पास बना दिया गया, अंडर ब्रिज बना दिया गया, लेकिन ज़रूरत थी ओवर ब्रिज की। कई टाउनशिप में जुड़ी हुई है, कई कॉलोनियां जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण यहां पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात करें इस क्षेत्र की या इससे जुड़े हुए कई कॉलोनियों की, तो यहां पर साफ तौर पर देखने में आया है कहीं ना कहीं प्रशासन की, नगर निगम की, नक्शा विभाग की, रेलवे की मिलीभगत के कारण यहां के रहवासी हैं जो परेशानी भुगत रहे हैं, क्योंकि बाद सारा ढलान इधर ही है, अंडरपास में आकर पानी रुक जाता है, जिसके बाद में लापरवाही यह हुई कि कहीं भी किसी भी तरह की निकासी यहाँ पर नहीं दी गई है। बात करें कई कॉलोनियों का पानी भी यहीं पर उतर जाता है, जिसके कारण रास्ते बंद हो जाते हैं, बारिश के दिनों में खास समस्या आती है। अभी बात करें तो दुर्घटना के लिए रास्ते खुल चुके हैं, मतलब किसी बड़ी दुर्घटना का शायद रेलवे प्रशासन, प्रबंधन, नगर निगम और बाकी जो सारे सरकारी महकमे हैं शायद रास्ता देख रहे हैं, जिसके कारण ये अंडरपास जो है पूरी तरह से जर्जर हुआ पड़ा है। इंदौर से DGNN न्यूज़ के लिए मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर। गौरतलब है कि इस अंडरपास से आसपास की कई कॉलोनियों के रहवासी गुजरते हैं और इस रास्ते पर ट्रैफिक जाम की स्थिति अधिकांश रहती है। जो हाल इस अंडरपास का है, इसे देखकर लगता है शायद रेलवे और प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है।